डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डीएनपीजी कॉलेज, हिसार। आज इस लेक्चर में हम हाइड्रोलॉजी के दूसरी विषयों के साथ क्या संबंध है उनका अध्ययन करेंगे। जो हाइड्रोलॉजी विषय है या सब्जेक्ट है, वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। हाइड्रोलॉजी के अध्ययन के लिए हमें जो वाटर की कंडीशंस है, चाहे वो एटमोस्फेरिक कंडीशंस हो, चाहे वो धरातल के ऊपर हो नदियों, झीलों, तालाबों, या फिर वो आंतरिक सागरों या महासागरों के अंदर जो जल विद्यमान है, या हिमानी या प्री हिमानी क्षेत्रों के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज है, या फिर सरफेस के नीचे जो भूमिगत जल है, उनसे संबंधित जितनी भी वाटर की कंडीशन है, जितनी भी स्थितियां हैं, उन सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस प्रकार हम जो ये इस अध्ययन में हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोलॉजी का स्कोप है वो कई विषयों से जुड़ा हुआ है, जैसे हिम विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान, ओशिनोग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी आदि जैसे विषयों से ये जुड़ा हुआ है। और इन फिजिकल साइंसेज के साथ साथ या प्योर साइंस के साथ साथ जो हाइड्रोलॉजी है वो सोशल साइंसेज के साथ भी जुड़ा हुआ है। और सोशल साइंसेज में जो वाटर रिसोर्सेज है, कैसे उसकी सप्लाई होती है, कैसे उसकी प्लानिंग होती है, कैसे उसको इरिगेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है, कैसे हाइड्रो पावर जनरेट करेंगे, फिशरीज से रिलेटेड और नेविगेशन से रिलेटेड विषय इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो जो हाइड्रोलॉजी है उसका रिलेशन कौन कौन सी साइंसेज के साथ साथ है, तो सबसे पहले जैसे फिजिकल साइंसेज है, फिजिकल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थ साइंस को शामिल करते हैं हम। एटमोस्फेरिक साइंस के अंदर मीटरियोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी को शामिल करते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर बॉटनी, जूलॉजी और इकोलॉजी को शामिल करते हैं। उसके बाद अलाइड साइंस के अंदर फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को शामिल करते हैं। और उसके बाद है सोशल साइंसेस, जिसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी को शामिल किया जाता है। तो ये कुछ साइंस के पार्ट्स हैं जिनका हाइड्रोलॉजी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन है, जिनका हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में सबसे पहले है फिजिक्स। फिजिक्स सेकेंड है अर्थ साइंस और थर्ड है केमिस्ट्री। जो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, जो वेलिसिटी है, उसका जो कार्य किया जाता है, उसमें किस तरह की एनर्जी यूज होती है, कितनी एनर्जी यूज होती है, उसकी मात्रा कितनी है और किस तरह की फोर्सेस उसके ऊपर कार्य करती है, इन सब चीजों का अध्ययन हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। और जब फिजिक्स का हम जल के साथ अध्ययन करते हैं तो एक नए सब्जेक्ट का निर्माण हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोफिजिक्स का कहते हैं। इस हाइड्रोफिजिक्स में जो जल का मास है, जल के अंदर किस तरह से मोशन हो रहा है और उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए किस तरह की एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इन सब का अध्ययन हम हाइड्रोफिजिक्स की जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है उनके द्वारा हम अध्ययन करते हैं। और इसके द्वारा जो अध्ययन करेंगे, जो थर्मल कंडक्टिविटी है वाटर की, या हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, पानी के गर्म होने, पानी के ठंडा होने के लिए कितनी मात्रा की में एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जो डायनामिक्स है, जो करंट है, वेव्स है, जो टाइड है, वो कैसे उत्पन्न होते हैं, उनके उत्पन्न होने के बाद जो उनकी वेलिसिटी होगी, जो उनकी चाल होगी, जो मोशन होगी, वो किस तरह से, वो किस दिशा के अंदर वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मोशन निकालने के लिए हमें हाइड्रोफिजिक्स या फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट के लिए, जो स्ट्रीम फ्लो है, जो बहता हुआ जल है, उसको मेजर करने के लिए हमें फिजिक्स की कैलकुलेशन या मैथमेटिक इक्वेशन की सहायता पड़ती है। उसके बाद सेकेंड है अर्थ साइंस। अर्थ साइंस के अंदर हम जियोमोर्फोलॉजी, जियोग्राफी और जियोलॉजी को शामिल करते हैं। तो जो जियोमोर्फोलॉजी है, ये अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी लैंड फॉर्म पाए जाते हैं, जितनी भी स्थलाकृतियां पाई जाती है, उनको बनने में कौन कौन सी प्रक्रियाओं का
हाथ रहा है, उन सब का अध्ययन हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर करते हैं। और जब जियोमॉर्फोलॉजी को हम हाइड्रोलॉजी के साथ पढ़ते हैं तो वो एक हाइड्रो जियोमॉर्फोलॉजी का निर्माण हो जाता है। और हाइड्रो जियोमॉर्फोलॉजी क्या होगा, यह एक ऐसा विज्ञान होगा जो जितनी भी जल से संबंधित प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं का लैंड फॉर्म के साथ किस तरह से इंटरेक्शन होता है और कैसे इंटररिलेटेड होती है, उन चीजों के ऊपर ये फोकस करता है। जैसे रिवर डायनामिक्स की, जो रिवर्स के अंदर बहता हुआ जल है वो कैसे वहां की स्थलाकृतियों को प्रभावित करता है, कैसे जो स्थलाकृतियां हैं रिवर के जो फ्लो के कारण चेंज होती है, किस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो हाइड्रो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम कुछ अलग से और ब्रांचेज है जिनका अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। जैसे पोटामोलॉजी है जो रिवर स्टडी से अध्ययन है, रिवर से संबंधित किस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। क्रायोलॉजी की जो ग्लेशियर से संबंधित स्टडी है उसका अध्ययन हम क्रायोलॉजी के अंदर करते हैं। और लिम्नोलॉजी की जितने भी लेक्स है, लेक से संबंधित जो अध्ययन है वो लिम्नोलॉजी के अंदर शामिल किया जाता है। और उसके बाद है ज्योग्राफी। तो जो ज्योग्राफी के अंदर हम एक ज्योग्राफी के अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं, तो ज्योग्राफी एक ऐसा साइंस है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक, जैविक, सांस्कृतिक विशेषताओं का डिस्क्रिप्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और उनके इंटर रिलेटेड रिलेशन है, जो उनका जो अंतर संबंध है उनसे संबंधित है ज्योग्राफी। और उस ज्योग्राफी को जब हाइड्रोलॉजी के साथ इंटर रिलेटेड करके जब इसका अध्ययन करते हैं तो हाइड्रो ज्योग्राफी का निर्माण होता है। जिसके अंदर क्या, हाइड्रो ज्योग्राफी में हम क्या अध्ययन करेंगे, इसके अंदर जितने भी फॉर्म्स है वाटर की, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो गैसेज फॉर्म हो, वो अर्थ सरफेस के ऊपर और अर्थ सरफेस के नीचे, या तो धरातल पर हो या वो भूमिगत हो, तो वो जहां भी जल विद्यमान होता है उसका अध्ययन हम हाइड्रो ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। उसके बाद है जियोलॉजी। तो जियोलॉजी के अंदर हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, जितना भी अर्थ मटेरियल्स है, चाहे वो रॉक्स है, रॉक से संबंधित जो अध्ययन करते हैं हम, वो जियोलॉजी के अंदर शामिल किया जाता है। जब जियोलॉजी को हाइड्रोलॉजी के साथ, उसके सब्जेक्ट मैटर को हाइड्रोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर के साथ अगर हम रिलेटेड करके पढ़ते हैं तो हाइड्रोजियोलॉजी का निर्माण होता है। और जो हाइड्रोजियोलॉजी क्या है कि जो अर्थ सरफेस से नीचे जितनी भी रॉक्स है, चट्टाने हैं, उन चट्टानों के बीच में कहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और किस तरह से उसका मूवमेंट होता है, चाहे वो रॉक्स के अंदर हो, चाहे वो मिट्टी के अंदर हो, सॉइल्स के अंदर हो, तो वो भूमिगत जल के वितरण से और भूमिगत जल के मूवमेंट से संबंधित अध्ययन जब करते हैं तो वो हाइड्रो जियोलॉजी होती है। उसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, तो हाइड्रोलॉजी के एक वाटर का अध्ययन है जिसमें हम वाटर से संबंधित केमिकल कंपोजिशन का अध्ययन करते हैं। और जब केमिस्ट्री के साथ हाइड्रोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो हाइड्रोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का निर्माण होता है। और इस हाइड्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम जो वाटर की क्वालिटी है उसका अध्ययन करते हैं, उसके अंदर SO4 कितना है, कैल्शियम कार्बन, मैग्नीशियम कितना है, CaMg कितना है, Ca+Mg कितना है, और हाइड्रोकार्बन कितना है, बाइकार्बोनेट कितना है, कार्बोनेट कितना है, मैग्नीशियम कितना है, सोडियम एंड पोटाशियम की मात्रा कितनी है, बाइकार्बोनेट कितना है, SO सल्फर कितना है। तो इस तरह से उस वाटर की केमिकल कंपोजिशन का हम अध्ययन करते हैं, जिसके आधार पर हम ये बता पाते हैं कि जो वाटर किसी भी एरिया के अंदर अवेलेबल है वो ड्रिंकेबल है या नॉन ड्रिंकेबल है, क्या हम उस वाटर को इरिगेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, क्या वो इरिगेशन के लिए सुटेबल है या नॉन सुटेबल है। तो ऐसे उस कंपोजिशन का एनालिसिस करके हम वाटर के यूजेस के लिए सजेशन दे सकते हैं, और ये हम हाइड्रोकेमिस्ट्री के अंदर अध्ययन करते हैं। उसके बाद है एटमोस्फेरिक साइंस। एटमोस्फेरिक साइंस के अंदर मेट्रियोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी को शामिल करते हैं हम। और जो मेट्रियोलॉजी है वो एटमोस्फेयर या वातावरण में, वातावरण से संबंधित है, और वातावरण के अंदर जितने भी परिवर्तन होते हैं उन उसमें होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन से संबंधित है मेट्रोलॉजी। और उस मेट्रोलॉजी को जब हाइड्रोलॉजी को
इंटरलेटेड करके पढ़ते हैं उन दोनों भी सब्जेक्ट मैटर को, तो हाइड्रोमेट्रियोलॉजी का निर्माण होता है। और इसमें हाइड्रोमेट्रियोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं हम, इसमें जल तथा जो एनर्जी लगती है उस एक वाटर की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म को कन्वर्ट होने में, तो इसमें जल और ऊर्जा का जो धरातल पर या फिर उसका लोअर एटमोस्फेयर अर्थ सरफेस का, वहां पर कैसे जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के अंदर मूवमेंट कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और किस तरह की ऊर्जा का यूज कर रहा है, वो सब हम हाइड्रोमेट्रोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद एक क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम जलवायु के अध्ययन से संबंधित तत्वों का अध्ययन करते हैं कि कैसे एक निश्चित समय के अंदर एक के किसी स्थान पर जो जलवायु है वो परिवर्तित होती जा रही है। और जब हम क्लाइमेटोलॉजी को हाइड्रोलॉजी के साथ इंटरलिंक करते हैं तो हाइड्रो क्लाइमेटोलॉजी का निर्माण होता है। और हाइड्रो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर जितना भी धरातल पर उपस्थित जल है उस जल पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे किसी भी एक क्षेत्र की जो क्लाइमेट है या वर्ल्ड क्लाइमेट है वो कैसे जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसकी प्रोसेसेस को कैसे प्रभावित करती है, किसी भी एरियाई क्लाइमेट या ग्लोबल लेवल पर जो क्लाइमेट वो कैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की जितनी भी प्रोसेसेस, चाहे वो प्रेसिपिटेशन हो, कंडेंसेशन हो, इवेपोरेशन हो या रन ऑफ हो, वो कैसे किसी भी जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसकी प्रोसेसेस को प्रभावित करती है। उसके बाद है बायोलॉजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम बॉटनी, जूलॉजी और इकोलॉजी को शामिल करते हैं। जो बायोलॉजिकल साइंस है इसके अंदर हम जीव जंतुओं, प्राणी जगत और उनके पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करते हैं। तो जितने भी जीव जंतु है और जितना भी वनस्पति है और जितना भी उनसे मिलकर जो पारिस्थितिक तंत्र बनता है वो डायरेक्टली वाटर से प्रभावित होता है। और बिना वाटर के ये बायोलॉजिकल साइंस है उनका अस्तित्व नहीं है। तो वो डायरेक्टली हाइड्रोलॉजिकल जो सिस्टम है या जल से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनसे ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। वनस्पति का पूरे वर्ल्ड के ऊपर, ग्लोब के ऊपर जो वेरिएशन पाया जाता है वो वाटर की उपलब्धता के कारण ही है। और इसी तरह जूलॉजी के अंदर और इसी तरह इकोलॉजी वाटर से प्रभावित होती है। उसके बाद है सोशल साइंसेस। सोशल साइंस के अंदर हम जो वाटर से मेनली रिलेटेड है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी, इनका अध्ययन हम हाइड्रोलॉजी के साथ करते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन होता है। उन आर्थिक क्रियाओं को जब हम हाइड्रोलॉजी के साथ अध्ययन करते हैं तो हाइड्रो इकोनॉमिक्स का निर्माण होता है, जिसके अंदर हम हाइड्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि कैसे वाटर का यूज किया जाएगा और उस वाटर से कैसे हम हाइड्रो पावर जनरेट करेंगे, उसको इरिगेशन सिस्टम पर्पस के लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे उसको नेविगेशन या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होगी वो हाइड्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी की जाती है। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में किसी भी राज्य के या देश के राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया जाता है। और जब राजनीतिक विचारों को हम हाइड्रोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं तो हाइड्रो पॉलिटिक्स का निर्माण होता है। और हाइड्रो पॉलिटिक्स के अंदर हम चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर वाटर रिसोर्सेज से संबंधित इशू या नेशनल लेवल पर वाटर रिसोर्स से संबंधित इशू हो, उनका अध्ययन हम हाइड्रो पॉलिटिक्स के अंदर करते हैं कि दो देशों के बीच जल रिसोर्स या जल संसाधन से संबंधित किस तरह के इश्यूज हैं, उनको कैसा सोल्यूशन करना है, वो कितनी क्वांटिटी या कितनी डेंसिटी ऑफ वाटर दोनों देशों के द्वारा यूज किया जाता है। और इसी तरह एक नेशन के अंदर विभिन्न राज्यों के या विभिन्न पार्टों के बीच में जल संसाधन से संबंधित इश्यू है उनका सोल्यूशन करने के लिए हाइड्रो पॉलिटिक्स का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है सोशोलॉजी। सोशोलॉजी के अंदर मानव के विभिन्न प्रकार के समुदायों का अध्ययन किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के समुदायों का जब हाइड्रोलॉजी के साथ अध्ययन किया जाता है तो सोशियो हाइड्रोलॉजी का निर्माण होता है। और सोशियो हाइड्रोलॉजी के अंदर हम जितने भी मानव समुदाय हैं और उनका जल के साथ किस तरह का संबंध है, उनके
मानव समुदाय और जल के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस हाइड्रोसोशियोलॉजी के अंदर जल में होने वाली या जल से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का मानव समुदाय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इनका अध्ययन करते हैं। जैसे जल से संबंधित प्रक्रिया जैसे फ्लड्स है और लैंडस्लाइड्स है, क्लाउड बर्स्टिंग है, और इनका मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या तो माइग्रेशन करेंगे या उनका लैंड यूज पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, तो कैसे जो जल है एक समुदाय को प्रभावित करता है। वाटर की मात्रा किसी एरिया के अंदर किसी समुदाय के पास ज्यादा है तो वहाँ का एग्रीकल्चर भी बढ़िया होगा, लैंड यूज को प्रभावित करेगा। तो इस तरह सोशियो हाइड्रोलॉजी के अंदर हम ये अध्ययन करते हैं कि कैसे एक समुदाय के लोग जल की विभिन्न प्रकार की होने वाली प्रक्रियाओं से प्रभावित होते हैं, इनका अध्ययन हम सोशियो हाइड्रोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद है अलाइड साइंस। अलाइड साइंस के अंदर हम फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को शामिल करते हैं। फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ये डायरेक्टली वाटर रिसोर्सेज से संबंधित है। फॉरेस्ट वहीं पर ज़्यादा होंगे जब वहाँ की सॉइल के अंदर मॉइस्चर या वाटर कंटेंट होगा, जहाँ पर मॉइस्चर की कमी होगी वहाँ पर फॉरेस्ट है, वहाँ या तो स्क्रब के रूप में हो गए यहाँ पर, वहाँ पर फॉरेस्ट नहीं हो गए। इस तरह एग्रीकल्चर भी वहीं ग्रो करेगी, एग्रीकल्चर डेवलप्ड प्रदेश वही होंगे जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज अच्छी मात्रा में अवेलेबल होगा। और इसी तरह जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर जो बागवानी है उन्हीं क्षेत्रों में विकसित होती है जहाँ पर पानी की जो क्वालिटी है या क्वांटिटी है वो अच्छी हो, वहीं पर हॉर्टिकल्चर से संबंधित क्रियाएं की जाती है, बागवानी से संबंधित क्रियाएं होती है। इस तरह ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।